मेरी कॉलेज प्लेसमेंट की हालत तो तुझे पता ही है। सोचा सेफ साइड के लिए अप्लाई कर देता हूँ, इजी टू क्रैक जॉब है, ग्रेजुएशन टाइम पे कोई एक जॉब होगी दिखाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बस अब वही एक जॉब हाथ में है। चल कोई नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग कुछ अच्छा तो होना चाहिए। देख फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जॉब उतना भी बुरा नहीं लग रहा। 20,000 रुपये सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो तुझे अच्छा लग रहा है? प्लस टू में मेहनत करनी चाहिए थी यार, तेरी तरह अच्छे कॉलेज में जाता मेरे पास ही 12 लाख रुपए की नौकरी होती। अबे 12 लाख रुपए मेरी CTC है, कटकटा के हाथ में 78-80,000 ही आए। तू रियलाइज कर रहा है जितना तू टैक्स भरेगा उतनी मेरी सैलरी होगी? कितना हुआ? 3 समोसा 3 चाय और 2 समोसा पार्सल, 56 रुपए। अरे रुकिए, हम देते हैं। नहीं नहीं मैं देता हूँ, तुम लोग कौन सा जॉब करते हो? अरे आई मीन अभी नहीं करते पर कर तो सकते ही हो। ऑफ कोर्स ले लूँगा समोसे वाली पार्टी। खेत की तरफ चले गए थे, थोड़ा काम देखने, तो सोचा लगे हाथ निपट लिया जाए, निपट लिया। ऐसा नहीं है घर में शौचालय नहीं है, दूर दूर था शौचालय, लेकिन वो कहा है कि खेत की तरफ चले जाते हैं तो घूमने का घूमना हो जाता है और सिस्टमों साफ हो जाता है। आप गए हैं खेत की तरफ कभी? नहीं नहीं मैं तो मैं पहले कभी रहा नहीं ऐसे गांव में। अच्छा नहीं रहे, तो चलिए अब हम आपको ले जाएंगे टहलाने के लिए। लोटा प्रधान जी इनका रोज ले जाइएगा। अरे रोज ही लेके जाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अब यहाँ आए हैं तो पूरा फायदा ना उठाएंगे ये। हाँ और ससुर हम तुमको भी लेके जाएंगे, तुम भी बहुत मुटाए गए हो। ये खूब दबा के चल रहा है। चलिए तो हाथ मिला लीजिए, आइए। इस साला ये कटहल धर के उसके माथा पे मार देना चाहिए था साले का। राम घोर, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं करता हूँ। क्या हुआ प्रधान जी? वृद्धाश्रम मार हो गया और क्या? क्या क्या हुआ? किसे गलिया रहा था आपको, लेकिन इस बार हम लोग भी अच्छे से जवाब देखे हैं। ऐसे दम भर के दम दिए हैं हम उसको सचिव जी के, वो भी याद रखेगा। हाँ पिछली बार का और इस आज का दोनों बदला ले लिया हम उससे। अच्छा हाँ, एक समय तो ऐसा लग रहा था प्रधान जी विधायक पर हाथ चला दिए। अरे मारे दिए होते अगर हम नहीं रोकते। प्रधान जी अगर आप मारते ना आज तो हम विधायक बहुत कचरते। अरे किसी चीज का हद होता है, है? एक हद के बाद तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिए थे कृष्ण जी। है? वो विधायक वो साला अपने आप को समझता क्या है भोसड़ी का, है? हमारे सचिव जी को, ये प्रहलाद को, ये विकास को गाली देगा हमारे सामने। हमारा इज्जत नहीं, इनका इज्जत नहीं, इनके हमारा भी इज्जत नहीं कर रहा साला। कोई बात ठीक, शांत हो जाए। समझता क्या है वो? ना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो किसी आदमी को? बैठो पानी पिलवा, पानी पिलवा, तबियत खराब हो जाएगा। अरे हम छोड़ दिए हम आज उसको, नहीं तो सर आज हमारे हाथ से एक हत्या हो जाता। फिर पानी पिलाओ। हाँ इसमें लोटे में पिलाओ। अरे क्यों मूड खराब कर रहे हो? अरे मूड तो उसने खराब किया है। कितना बार बोले चाबी जनेऊ में बांध कर रखी, जनेऊ में बांध के रखी, पर नहीं हमें तो फैशन करना है, चाबी पॉकेट में रखेंगे। और रखिए पॉकेट में चाबी। विकास को भेज दिए मिस्त्री को लाने, ताला नहीं तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने देंगे भी नहीं। अरे सुनो, हम सोच रहे हैं कि वो सचिव जी को आज खाने पे बुला लें का? नहीं, सचिव को बुला लीजिए, प्रहलाद को बुला लीजिए, विकास को भी बुला लीजिए, और रास्ते में 2-4 और मिले तो उन्हें भी बुला लीजिए, पूजा ही करा देते हैं। अरे तुम भी ना, इसी बहाने तुम्हारा मिलना भी हो जाएगा। नहीं हम क्या करेंगे उनसे मिलके? अरे गांव की प्रधान हो, बार बार ये बात काहे भूल जाती हो? हम कोई प्रधान वरदान नहीं है। सब लोग रोकेंगे, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देना, चलो जाओ। कुछ दिन पहले प्रहलाद को गाली गलौज किया और अब आंसू बहाने लग गया है। चलो कोई आगे नहीं बढ़ने देंगे, रोक लो सब उधर। तो क्या हो गया मैडम, काहे रास्ता रोक रहे हैं आप लोग? आप वापस लौटिए, घूमिए, आप निकल जाइए यहाँ से, घुमाइए गाड़ी। क्या घुमाए, गाड़ी में विधायक जी बैठे। अरे बैठे रहने दो विधायक जी को। अरे मैडम क्या हो गया, जाने दीजिए।
क्या कीजिएगा जाकर विधायक जी, हैं? बताइए हमें क्या करिएगा जाकर। शान, क्या करेंगे से क्या मतलब है? हमारे क्षेत्र का लड़का शहीद हुआ है तो श्रद्धांजलि देने का हक तो बनता है ना? नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। अरे कौन है ये महिला? इस दो कौड़ी के गांव की प्रधान है ये, और राहुल इस दो कौड़ी के गांव के दो कौड़ी के उप प्रधान का बेटा था। रोड के लिए हम ऐसे ही थोड़ी मना किए हैं, फंड की कमी है, सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। रोड के लिए भले ही फंड लगता हो विधायक जी, लेकिन अच्छे बर्ताव वाला इंसान बनने के लिए फंड नहीं लगता। आप तो है ही खराब आदमी, कहां से मिलेगी भीड़ और माइक? आज आप भले ही विधायक हो लेकिन जैसे आपके लक्षण है ना, बहुत जल्द नहीं रहिएगा, कोई आके पलट देगा आपको। देख क्या रहे, निकलिए इधर से। बोले तो थे कि 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहला अच्छा पता चल जाएगा ना कि चार को मिठाई था वो कोई उठा लिया। कहाँ से पता चलेगा? गेस्ट को कोई 3 पीस मिठाई थोड़े देता है, या तो 4 देता है या 2 देता है। हमको भी दीजिए ना। और पीजिएगा। अभिषेक सर, विधायक के चलते जा रहे थे ना घर, आप विधायक तो आ नहीं रहा है। मत जाइए सर। यही है ऑफिस? यही है हमारा छोटा सा ऑफिस। 3 कमरा है, एक कमरा प्रधान जी के लिए, एक हॉल है उसमें बाकी लोग बैठते हैं, और जो 3रा कमरा है खाली वाला उसमें आपका इंतजाम कर दिया गया है। गद्दा तक के अंदर रखवा दिया है, बस ये चौकी अंदर घुसाना है। 6x3 का है, सोच के देख लीजिए आ रहे हैं कि नहीं। यार नहीं नहीं, आ ही जाऊँगा। अरे नहीं, एक बार देख लीजिए, छोटा बड़ा कर देते हैं आजकल। हाँ, नहीं आ ही जाऊँगा। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी प्रधान जी के पास है, आ रहे होंगे वो। प्रधान जी आ रहे हैं ना? प्रधान जी आ रहे हैं। प्रधान मंजू देवी मेल है? नहीं, प्रधान मंजू देवी फीमेल है, साड़ी पहनती है। हम मंजू देवी के पति बृजभूषण दुबे जी की बात कर रहे हैं, नहीं समझे? पिछले पंचायत इलेक्शन में सरकार ने सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया था ना, लेकिन बृजभूषण जी ठहरे हमारे खिलाड़ी आदमी, अपनी जगह अपनी पत्नी को खड़ा कर दिए और चुनाव जीत भी गई। कहने का मतलब ये है कि मंजू देवी ऑफिशियल प्रधान है और बृजभूषण जी हैं प्रधान पति। आज बहुत अकेले पड़ गए, वो हमारे बाप मर गए, हमारी अम्मा मर गए, हमारी बीवी मर गए, बेटा भी मर गया। बुधाज को सही में बहुत अकेले पड़ गए। ये भगवान बहुत गलत किया हुआ। कैसे अकेला हूँ हमें? विकास का परिवार है, देखो सचिव जी हैं, सब लोग तो हैं, हम लोग हैं बेटा। अकेला नहीं है बेटा, अकेला नहीं है। कैसे अकेला हो गया? हम लोग ऐसे नहीं करते भाई। मुझे बोले नहीं पाए, हम क्या करें? अपने दिल से वहाँ बैठवा चले गए। बच्चे चला गया।